तो आपके सामने एक फाइल पड़ी है जो कि मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसमें क्या है कि मैं डेट यहां डालता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने अक्टूबर का डेट डाला, अक्टूबर का डेट डालते हैं, 30 आ गया, आ गया। लेकिन जैसे नवंबर के डेट हम डालते हैं यहां पे, क्योंकि 30 है, इसको मैं आगे अगर बढ़ा देते हैं तो 31 आपको दिख जाता है। क्या में दिख गया? बट फरवरी अगर मैं करूं तो फरवरी है क्या हो जाता है, फिर ये यहां तक आ जाता है। तो पहले कुछ ऐसा करना है, कि हमारा जो रिपोर्ट है, हमारा जो डेटा है, वो अलग तरीके से दिखे, मतलब कि वो मंथ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे। तो कैसे होगा? तो इसके लिए हमारा कम से कम तो होगा 28 दिन, तो होता ही होता है महीने में, कोई भी महीना हो कम से कम 28 दिन तो होता ही है ना। हाँ जी 29 पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो इसके लिए जान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, राइट। ईओ मंथ के अंदर अगर कोई डेट डालते हैं तो उस डेट डाल के 0 डाल देते हैं, तो उस डेट मंथ का लास्ट डेट बता देता है क्या है। जैसे हमने डाला है B5, तो B5 में मान लीजिए कि मैंने आज की डेट डाल दी, इस महीने की लास्ट डेट इसने शो कर दिया। ये मंथ फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी सर। तो यहां पे हम इफ के साथ ये लगाएंगे, यहां हम यहां देंगे कि इफ ए जो है अगर ग्रेटर देन है ई ओ मंथ, अब कोई भी एक डेट ले लेते हैं, कोई भी डेट डालिए उस महीने की लास्ट डेट दे देता है। तो अगर हम जो प्लस कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन इस महीने की लास्ट डेट से है तो ब्लैंक शो करो, नहीं तो इसमें जो प्लस कर रहे हैं वो प्लस कर। फॉर्मूला समझिए आप लोग, सर थोड़ा सा एक बार दोबारा समझा देंगे, बताइए समझिए। ई मंथ वाला थोड़ा सा एक बार बताएंगे क्या था मतलब उसमें। ईओ मंथ में आप डेट कोई भी एक डेट और कॉमा कर देंगे तो उस महीने की लास्ट डेट दिख जाएगा। जैसे हमने N6 किया है, मतलब 10 अक्टूबर, तो जैसे माफ कीजिए 10 फरवरी, तो 10 फरवरी के अकॉर्डिंग वो सबसे लास्ट डेट 28 फरवरी देगा। और अच्छा 28 फरवरी दिया तो ये क्या करेगा, अपने से पहले वाले डेट में +1 करके चेक करेगा कि जो ईओ मंथ ने हमें डेट दिया है उससे क्या प्लस करने पे वो बड़ा होता है। बड़ा होता है तो ब्लैंक कर दो, हमें सीक्वेंस आगे नहीं बढ़ाना है। नहीं बड़ा है तो +1 करके सीक्वेंस को फॉलो करो, ठीक है। हाँ जी और फिर इसको हम आगे ड्रैग कर देंगे। अब यहां पे एरर आ गया क्योंकि ब्लैंक में +1 नहीं हो सकता, इसे एरर दिया है इसमें। तो एरर को रिमूव करने के लिए हम यहां इफ एरर कर लगा देते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला यहां पे लगा और कुछ नहीं, ओके। अब मैं यहां पे 1 अक्टूबर डाला, 31 तक आ गया। 1 नवंबर डाला, 30 तक आ गया। और 1 फरवरी डाला तो 28 तक आ गया। क्लियर है? ये फॉर्मूला में अभी भी कंफ्यूजन आप लोगों भाई, बस सिंटेक्स दिखा देना कि कैसे कैसे था जैसे को? इफ। रिक्वायरमेंट समझिए कि भाई जो डेट हम डाल रहे हैं उस डेट की लास्ट डेट के बाद ये ब्लैंक होना चाहिए। कंडीशन है तो इफ तो लगेगा ही लगेगा, हाँ राइट। जी अब ये लास्ट डेट कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर महीने की लास्ट डेट तो अलग होती है ना। तो जी लास्ट डेट पता करने के लिए हमने ईओ मंथ फॉर्म बना रहा अच्छा है, ठीक जी 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 है। अब यहां पे प्रॉब्लम हुआ कि इफ तो हमने लगा लिया और रिजल्ट ले लिया अपना, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन रूल्स आ गया।
क्योंकि जैसे ही एक सेल में ब्लैंक होगा उसके अगले सेल में रिजल्ट आपका नहीं देगा, क्योंकि ब्लैंक प्लस वन नहीं कर पाएगा। एजी प्लस वन नहीं कर पाएगा क्योंकि एजी में क्या है, ब्लैंक है, इन्वर्टर कोमा ओपन क्लोज है, इन्वर्टर कोमा ओपन क्लोज लगा इसका मतलब कि वो ब्लैंक सेल है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो उसका सोल्यूशन हुआ इफ एरर। हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाया और इफ एरर ने क्या किया, इफ एरर ने क्या किया कि अगर फॉर्मूला ब्लैंक देगा तो अपना रिजल्ट ब्लैंक शो होगा। सिंपल। अब इसको जो फॉर्मूला हम कराएंगे, जब हम फॉर्मूला कराएंगे तो इसको और डिटेल में कराएंगे सर। ठीक है सर। हाँ जी सर, आगे बढ़े। हाँ जी सर, दूसरा आता है फॉर्मेटिंग का, कि जो फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाए, राइट जी। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पे यहां पे कर सका। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल्स में गए, यूज फॉर्मूला, और हमने सिंपल से बोला कि जो डेट है अगर वो इक्वल टू इन्वर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज है, ऐसा अगर है तो मैंने क्या किया, ई का डॉलर हटा दिया, सिक्स को फिक्स कर दिया। अगर ऐसा है तो इसमें लगा हुआ हल फॉर्मेट नो फिल हो जाएगा, बॉर्डर हटा दीजिए, ये सारा बॉर्डर हट जाएगा, और भी फॉर्मेटिंग है सबको हटा दीजिए, देन ओके, देन फिर फॉर्मेट पेंटर लेके मैंने इसको पेंट कर दिया। ठीक है, और ऊपर भी हमने नीचे नहीं किया, ऊपर भी करना है इसको, फिर वापस हमें डीडी करना पड़ेगा, ट्रिपल टी कस्टम दो दिया ना। ठीक है, अब देखिए मैं जुलाई का डेट डाला, सॉरी जुलाई का डेट दिया, आगे 31 तक, मैं यहां जून का डेट डालूंगा 30 तक आ गया, मैं नवंबर का डेट डालूंगा 30 तक होगा, सॉरी अक्टूबर का डालूंगा, हो गया जी। गरिमा जी समझ में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। अब दूसरा था कि मान लीजिए कि जो होलीडे लिस्ट है, मैंने यहाँ पे इस पे C3 में ये मान लीजिए होलीडे का हमने बनाया हुआ है, इसमें मैंने अपना होलीडे का डेट डाल दिया कि कब कब होलीडे थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहां पे डेटा में अलग हो, तो काउंटी फॉर्मूला आता है आपको सर? जैसे मैंने यहां पे काउंटी फॉर्मूला लगाया और काउंट इफ में मैंने बोला कि एच कॉलन में जाओ और इस डेट को काउंट करो, जीरो आ रहा है। अगर मान लीजिए इसमें मैंने 1 अक्टूबर डाल दिया, तो 1 अक्टूबर डालते ही काउंट 1 आ गया। Clear सर? अब ये सेम फॉर्मूला हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए इसमें हमने इसको फ्रीज कर देते हैं AYA को, और E6 का हम 6 फ्रीज कर देते हैं, और बोलते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब कि ए डेट HL कॉलन में अवेलेबल है,
अवेलेबल है तो फॉर्मेट में जाओ, फिल में जाओ और एक अलग सा कलर डाल लो। फॉर्मेट पेंट कर लीजिए और पुराने पेंट मार दीजिए, हो गया क्लियर है सर? हाँ जी सर। तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि कोई भी लीव लेगा तो उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वो कंपेयर करेगा, अगर लेस देन 90 डेज है तो वो माइनस। ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है। देखिए अगर किसी ने ज्वाइन किया है 1 जनवरी को और ऊपर डेट डला हुआ है, मान लीजिए आज का, आज उसने लीव ले लिया मान लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि जब जिस दिन लीव ले रहा है उस दिन से और जिस दिन जब ज्वाइन किया तब तक का कितने नंबर ऑफ डेज है, समझे? देखिए तो हमें यहां मान लीजिए कि इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां पे हमें कर्सर रखना होगा, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए 11 तारीख है, 1 जनवरी, ठीक है। जी, मेरी वाली शीट में रैंडमली डेट्स दिल्ली में, तो वो आप अभी रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एंड का फॉर्म लगाना होगा, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि ये जो आपका आ रहा है ना E7, इसका इसमें डॉलर साइन नहीं होगा, ठीक है, E7 इक्वल टू L होना चाहिए, राइट। उसके बाद हमने यहां पे क्या किए कि हम लगाएंगे डिफरेंस, कि डिफरेंस में हम बोलेंगे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस स्टार्ट डेट, जिस दिन लीव ले रहे उस दिन का डेट, ए ग्रेटर देन लेस देन, माफ कीजिए, लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए, राइट। तो अब ये जो आपका E7 है, मतलब कि E7 दिख रहा है ना आपको, नहीं हमने गलत कर दिया, हमें E6 माइनस करना होगा, यहां पे गलत कर दिया, यह हम करेंगे E6 माइनस D7, ठीक है। E6 का E फ्रीज नहीं होगा और D6 का हमारा D फ्रीज होगा, 7 फ्रीज नहीं होगा, राइट, क्योंकि जब नीचे ड्रैग करेंगे तो E6 का 6 फ्रीज होना चाहिए ताकि 7, 8, 9, 10, 9 को फिक्स रो है और D7 का 7 ऐसा ही होना चाहिए कि D फिक्स होना चाहिए, D कॉलम फिक्स है बट रो चेंज होना चाहिए। फॉर्मेट में हम इसको कलर रेड कर देते हैं और इस रेड में सेलेक्ट किया, देन ओके किया और यहां हमने इसको फॉर्मेट कर दिया। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने यहां पे एल लिखा, अभी कुछ नहीं हुआ, अब मैं इसकी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर करता हूं, रेड हो गया, समझे? तो मैंने क्या किया, हमने इसके लिए बस दो कंडीशन किए। सबसे पहले तो मैंने डिफरेंस निकाला इसमें कि जिस दिन अटेंडेंस लग रही है जब ज्वाइन किया है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के लिए हमने क्या किया, जस्ट माइनस किया है और फिर हमने बोला कि E7 इक्वल टू L है, मतलब कि लीव है, क्योंकि कलर लीव होने पे होना चाहिए ना, समझ गया? जी जी, एक डाउट है बस, यहाँ पे आपने जैसे E6 में सिर्फ 6 पे आपने वो डॉलर का साइन लगाया और इसमें D में सिर्फ D में लगाया, तो ऐसा क्यों, मतलब हमने पूरा सेल हमारा जो है ये जो रो है 6 रो है, वो 6 है, आगे जब ड्रैग करेंगे तो EFGHI होगा लेकिन रो तो 6 ही रहेगा ना। हाँ जी, अच्छा हाँ ठीक है, जब नीचे ड्राइव करेंगे तो इसमें क्या है कि हमारा कॉलम डी जो है फिक्स है, डी कॉलम में डेट है, लेकिन जब नीचे की तरफ आएंगे तो वो आपका जो है 7, 8, 9, 10 होगा,
हाँ जी समझ गए, ठीक है ठीक है। हाँ जी सबको समझ में आया जी। सर मेरे को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, जैसे हमने सिक्स रो का हमने फ्रीज कर दिया क्योंकि हम उसको आगे ड्रैग करेंगे, जैसे कि हम सेवन एट पे आएंगे तो हमें सेवन एट पे नहीं लाना उसको क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये मीनिंग है इसका। जी 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 ठीक है। हाँ जी चलो अब मैं इसको अप्लाई करके ओके करता हूं, अब ये परफेक्टली हो गया। अब आपको इसको समझ के खुद से बना के मुझे भेजना है। सुजी जी एक जो स्टार्टिंग में आपने वो फॉर्मेटिंग वाला बताया था ना, वो आप एक और बार ही बता देंगे क्या प्लीज? कौन सी फॉर्मेटिंग? ये जो आपने वो मंथ के अकॉर्डिंग करी थी ना, ये जो सेल्स की करी थी। हाँ वो वाली बस फॉर्मेटिंग जो आपने फॉर्मेट सेल में जाके करा बस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात? हाँ जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप देख लीजिए ना इस पे लगा हुआ है ना, एक सेल पे लीजिए, हमने यहाँ पे और का फॉर्मूला लगा दिया, बोला कि अगर सैटरडे संडे आता कलर हो जाए सिंपल सा। एक सेकंड कौन सा लगाया आपने? अच्छा अच्छा ठीक है समझ गए ओके जी। तो फाइल मैंने आप लोगों को मेल कर दी है, ठीक है आप लोग इसको अपने एंड से बनाइए और भेजिए। हाँ जी और आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज होमवर्क बना के भेजा कीजिए। जी 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 समझे जी। चलिए तो अगली क्लास हम कल करेंगे, तब तक बैठ कर बनाइए। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। अगली क्लास हमारी पिवट टेबल शुरू होने वाली है तो उससे पहले चीजें कवर कर लीजिए। हाँ जी ठीक है जी ओके बाय। ओके सर।